अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी रेमेडी है वो है जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किन, यानी कि ओवर नाइट आपकी स्किन की जो है जी वो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, यानी कि आपको इंस्टेंट वाइब्रेंट ग्लोइंग रिजल्ट मिलने वाला है। एक साथ साथ वाइटनिंग इफेक्ट तो जो आपको आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, शाइन करेगी और ब्राइट लगेगी। तो ये कह लो कि आप लोगों को एक फुल फॉर्म में कोरियन ग्लास स्किन जो है वो अचीव होगी, वो भी ओवर नाइट में, यानी कि नो स्कार्स, नो पिंपल्स, नो पिगमेंटेशंस, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो आपके फेस पे नहीं होगी। तो आज की इस रेमेडी में मैंने क्या किया कि कोरियन ब्यूटी को माइंड में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना कोरियन ब्यूटी को माइंड में रखा जाए, और उसके हवाले से आप लोगों के साथ एक अमेजिंग किस्म की जो है जी वो जेल शेयर करूँगी, जो कि बहुत कमाल की रिजल्ट देगी। आफ्टर यूजिंग दिस जेल आप लोगों को क्या होगा कि ग्लास स्किन अचीव होगी, स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, शाइन तो करेगी करेगी और साथ स्किन ग्लॉसी लगेगी। और इसके साथ कुछ छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि मैं आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आप इग्नोर कर दोगे ना तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करोगे तो देन आपको एक कोरियन ग्लास स्किन अचीव होगी, उसके साथ एक बहुत कमाल के रिजल्ट भी आप लोगों को अचीव होंगे। तो क्या करना है, क्लिनजिंग मस्टली करनी है कि डेली क्लिनजिंग करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मार्केट बेस्ड क्लिनजर लेके करो, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमारी स्किन पर सूट करता है, समटाइम नहीं सूट करता, उससे क्या हो जाती है रेडनेस आ जाती है, इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं बेस्ट क्लिनजर आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि आप रॉमिल करो रात को, जब आप लोगों ने ये जेल नाइट में अप्लाई करनी है तो उससे पहले बेस्ट थिंग इज डेट कि आप लोग क्लिनजिंग कर लो, वो भी रॉ मिल्क की। क्लिनजिंग का बेस्ट तरीका ये है कि आप फेस अच्छे से पहले वॉश कर लो, यानी कि इसमें डबल क्लिनजिंग हो जाएगी। सबसे पहले तो आप अपना फेस वॉश कर लो किसी अच्छे से फेस वॉश के साथ, या जो भी होम मेड आप फेस वॉश यूज़ करते हो वो उसके साथ कर लो, क्लिनजिंग करोगे और फिर देन ये जेल अप्लाई करोगे। एक बात तो होगी कि क्लिनजिंग करनी है, सेकेंड थिंग थिंक क्या कि प्रॉपर डाइट लो, अपनी डाइट में जंक फूड को जो है वो स्किप कर दो, ख़त्म कर दो, कि आपकी लाइफ में जंक फूड नाम की कोई चीज़ नहीं है। थर्ड थिंग इज डाइट कि आप लोग प्रॉपर नींद लो, प्रॉपर पानी लो पियो, ताकि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट लगे। अगर आप लोग ये सब कर लोगे ना तो आप लोग कोरियन ग्लास स्किन की जो है वो एक स्टेप आप लोग उसके पास चले जाओगे। एंड सेकंड स्टेप उसका क्या है जी, वो रेमेडी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को देखते हैं, देन उसके प्रोसीजर की तरफ आते हैं कि इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहले यहाँ पर जो हम इंग्रेडिएंट लेने वाले हैं वो है जी राइस ब्रैन, ब्यूटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जिसको आप और मैं किसी सूरत में निगलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम ले रहे हैं जी राइस। राइस हमारे फेस से ब्लेमिश को दूर करता है, रिंकल्स और फाइननेस को ख़त्म करता है, हमारी स्किन की अमेजिंग किस्म की ग्लो और वाइटनेस प्रोवाइड करता है। देन हमारा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट यहाँ पर हम लेने वाले हैं वो है जी विटामिन ई कैप्सूल ले सकते हो, और विटामिन ई ऑयल ले सकते हो। एक ऐसा विटामिन ई इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत फ्रेंडली है हमारी स्किन के लिए, और इसकी क्या वैल्यू कि अगर आप लोग कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं ना करते, जस्ट आप क्लिनजिंग करके अपने फेस पे एप्लीकेशन कर लेते हो विटामिन ई के कैप्सूल की या विटामिन ई ऑयल के प्योर विटामिन के प्योर ड्रॉप्स लेके आप पूरे फेस पे उसे अप्लाई करोगे, तो देन आप लोगों को विद अ पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली क्या है जी आपकी स्किन से रिंकल्स फाइनलाइज तो ख़त्म होंगी, और जितनी एक्नीस के मार्क्स वगैरह होंगे, एक्नीस होंगे, स्कार्स होंगे, पिंपल्स होंगे, पिगमेंटेशंस होंगे, ये सारे रिमूव होंगे। और एक भी यूज़ करते जाओगे तो एक आप लोगों को ग्लो, एक वाइटनिंग किस्म का इफेक्ट जो है जी वो अचीव होगा, और आपकी स्किन बहुत बहुत ज़्यादा ब्लश करेगी और ग्लो करेगी। और आप लोगों को एक बात नोट की होगी, मार्केट में ब्यूटी की जितनी भी प्रोडक्ट है, चाहे आप उसमें फेस वॉश ले लेते हो, मॉइस्चराइजर ले लेते हो, बॉडी लोशन ले लेते हो, या कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उन सब में विटामिन ई मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मस्ट यूज में होता है। आप लोग कभी पढ़ के देखना कि उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही होती है, उसमें विटामिन ई कभी भी वो स्किप नहीं करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ब्यूटी में, और एक बहुत फ्रेंडली होता है, हमारी स्किन जो है जो उसे ईजिली रिकग्नाइज कर लेते कि हाँ भी ये चीज़ मेरे लिए है, तो बहुत जल्दी उस पर इम्प्लीमेंटेशन करती है और हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पे जो हम थर्ड इंग्रेडिएंट ले रहे हैं वो है जी एलोवेरा। कितना अमेजिंग किस्म का ये इंग्रेडिएंट है, मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट है, चाहे आप प्लांटेड एलोवेरा की बात करें, चाहे आप मार्केट बेस्ड एलोवेरा की बात करें, रिजल्ट कमाल के देने वाला है। अगर आप अपनी स्किन पे कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं ना करते, देन आप लेयर एलोवेरा की लेयर अपनी स्किन पे लगा के सो जाते हो रात को, या डे में अप्लाई कर लेते हो, तो देन आप लोगों को बहुत अमेजिंग रिजल्ट अचीव होते हैं। और एक ये प्राइमर का काम भी करता है, यानी कि अगर आप लोगों के पास मार्केट बेस्ड प्राइमर नहीं है मेकअप करना है, और आपके ओपन फोर्स का बहुत ज़्यादा इशू हो गया, तो देन आप लोग प्राइमर चलो जी ख़त्म हो गया, सिर्फ एक्सपोज कर लेते ख़त्म हो गए, तो आप लोग क्या करो मेकअप से पहले आप अपने फेस पर एज अ प्राइमर आप लोग इसको लगाओगे तो कमाल का काम करेगा। ऐसा प्राइमर बहुत अमेजिंग काम करता है और साथ साथ स्किन को सूदिंग प्रोवाइड करता है, हाइड्रेट रखता है हमारी स्किन को। एक लास्ट इंग्रेडिएंट जो है फोर्थ इंग्रेडिएंट वो है जी एलमंड ऑयल। की एलमंड ऑयल क्या करता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है, फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, आपको यंग दिखाता है,
आपकी स्किन पे ये एक यूथफुल लुक वाली लुक आ जाती है आलमंड ऑयल यूज़ करते हो, और इसके साथ साथ वार्निंग आती है, फेड हो जाती है आपके फेस पे जितने निशानात होते हैं उसके निशान, एक्नेस वगैरह या कोई भी ऐसा साइन जो है निशान है आपके फेस पे, तो वो जो है जी आफ्टर यूजिंग आलमंड ऑयल जो है वो फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए ये तो बात होगी सारे उसका इंग्रेडिएंट्स, उनके न्यूट्रिशन वैल्यू, उनकी मेन प्रोसीजर की तरफ आ जाते हैं, यानी कि उसकी मेकिंग की तरफ आ जाते हैं कि क्या स्टेप हैं जो हमने फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ हम बात कर रहे थे राइस की, अब राइस ले लिए तो राइस को किस तरह यूज़ करना, हाउ टू यूज़ राइस, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आप लोग राइस ले लो। यहाँ पे हम हाफ कप ले रहे हैं राइस, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने हाफ कप राइस लेना है और इसको अवर अच्छे से वॉश करके आप लोग दो, और सुबह उठ के इसको क्या करना है यूज़ करना है, इसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू जो होगी वो पानी के अंदर आ जाएगी। ये पानी आप लोगों ने गिराना नहीं है, इसीलिए आप लोगों से कहा कि पहले इसको वॉश कर लो, देन इसको भिगो दो और उसी पानी में उसको पकाना है। पकाने का प्रोसीजर ऐसा है कि आप लोग पानी कप थोड़ा सा पानी होगा, आई नो वेरी वेल, क्योंकि राइस ने भी सोक किया होगा, तो आप उसमें और पानी ऐड करोगे, उसे बहुत अच्छे से कुक करोगे। वो वाला कुक नहीं करना जो खाने में यूज़ होता है, वो कुक करना है जो बहुत जस्ट लाइक खीर टाइप हो जाता है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ी देर साइड पे रख लो, साइड पे रखने के बाद क्या करना है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लो और देन इसको स्ट्रेन कर लो। ये होगी हमारी फाइन फॉर्म राइस। सेकंड इंग्रेडिएंट क्या था जी, वो था विटामिन ए। विटामिन ए को कैसे यूज़ करना, 1 टेबल स्पून आप लोग यहाँ पे ले रहे हो विटामिन ए, जो आप लोगों ने राइस स्ट्रेन करके रखे हैं उसमें विटामिन ए का 1 टेबल जो है जी वो टेबल स्पून ऐड कर दो। देन 2 टेबल स्पून यहाँ पे आप एलोवेरा जेल के ऐड कर रहे हो, 1 टेबल स्पून यहाँ पे आप लोग ऐड कर रहे हो आलमंड ऑयल। आई नो वेरी वेल कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोसीजर को जो है वो करने में, बट जब आप लोग इसको अच्छे से बीट करोगे, अच्छे से मिक्स करोगे या बीटर के साथ करोगे, तो वो क्या है कि चीज़ थोड़ी सी जो है ना वेस्ट हो जाती है। तो प्रेफर यही करूँगी कि आप स्पून के साथ या कोई बीटर जो हैंड बीटर जो होता है, इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करना, ठीक है जी, उसके साथ अच्छे से बीट कर लो, देन आप इसको प्रिजर्व कर लो। ये जो मैंने आप लोगों को क्वांटिटी बताई है पूरा 1 वीक बताई है, आप लोग इसको बना लो और इसको रात को सोने से पहले फेस वॉश करके क्लिनजिंग करके देन आप लोग इसको अप्लाई करो। सीरियसली सीरियसली आफ्टर यूजिंग दिस आप लोग बहुत अमेजिंग, बहुत कमाल के रिजल्ट अचीव करोगे। आई होप सो कि आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करोगे, ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर शेयर करोगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखोगे, मुझे दुआ में याद रखोगे। अल्लाह हाफिज़।